हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं टी स्मार्ट वन। तो गाइस, अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं एंड वो प्रोडक्ट आपको गलत निकल जाता है या फिर साइज फिट इशू होता है, वो साइज में छोटा हो जाता है या फिर टूटा हुआ प्रोडक्ट को मिल जाता है या फिर डैमेज प्रोडक्ट को मिल जाता है, तो आप उस प्रोडक्ट को फिर से रिटर्न कैसे कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में, तो वही आज मैं इस वीडियो में आपको आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखे लाल बटन क्लिक कर दीजिए और साइड पर बेल आइकन है उसे टैप करें। हमारा हर रोज का जो नया नया वीडियो होता है उसको सब्सक्रिप्शन सबसे पहले वाले के लिए। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपका फ्लिपकार्ट ऐप में। तो चलिए हम हमारा फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर में जो ट्रिपल डॉट का साइन दिखा रही है आपको उस पर टैप करना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मिल जाएगा माय ऑर्डर के ऑप्शन। तो माय ऑर्डर पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन, अभी तक जितना भी चीज़ ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट में उसका एक पेज खुल जाएगा। तो देखिए, मैंने आज जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए उतना भी प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न भी कर चुकी हूँ। तो उसके बाद जो फर्स्ट बड़ा मेरा जो स्कूल बैग का जो प्रोडक्ट है वही मैं रिफंड करना चाहती हूँ। तो इसके लिए उस पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जा रही है कि रिटर्न। तो मैं यहाँ पे जब भी रिटर्न में क्लिक करूँगी तो मुझे ऑप्शन देगा कि रीज़न फॉर रिटर्न, मुझे रिटर्न का कोई रीज़न देना है। तो उस पर आप अगर इस एरो पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आइटम मिसिंग, क्वालिटी इशू, साइज फिट इशू, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसमें मैं देते हूँ कि मेरा कुछ साइज फिट इशू है तो साइज फिट इशू। देन मोर डिटेल्स पे आपको देना है कि आइटम डज नॉट फिट, साइज स्मॉलर, तो साइज थोड़ा स्मॉल है तो स्मॉलर में सिलेक्ट कर देती हूँ। देन कमेंट पे आपको कुछ लिख देना है, जैसे सॉरी या फिर जैसे आपको मर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि साइज फिट इशू, साइज नॉट फिट। देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। देन आप जब भी कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। तो आपको यहाँ पे रिटर्न का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफंड दिखा रही है, मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट का जो नंबर है उस नंबर पे आपका जो ये 328 रुपीज़ ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए रिफंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपका जो जिसमें आप इस रुपीज़ को आप ट्रांसफ़र करना चाहती है बैंक अकाउंट और गिफ्ट क्रेडिट कार्ड वॉलेट, तो इसमें मैं बैंक अकाउंट में ही जाती हूँ। तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दीजिए। देन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और मेरा यहाँ पे एक अकाउंट है तो यहाँ पे मैं उस वो भी सिलेक्ट कर दे सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो आप ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप थोड़ा का पूरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देन ऐड न्यू अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर देती हूँ। तो मैं मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दिया। देन आप नीचे कॉन्फर्म ऑर्डर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका वो जो प्रोडक्ट, तो आपको एक रिटर्न सक्सेसफुली का आपका एक मैसेज आ जाएगा। तो 1 आवर के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में आपको एक फ्लिपकार्ट की तरफ से SMS आ जाएगा। देन 24 आवर्स के अंदर आपका जो बैंक का अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में आपको 24 आवर्स के अंदर आपका ये जो 328 रुपीज़ है या फिर आपका जो प्रोडक्ट का जितना प्राइस है वो प्राइस आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट से तो रिफंड तो 1 आवर या फिर 24 आवर्स में ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस डे के लिए 8 डेज या फिर 10 डेज लग जाता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए। तो गाइज, आप ऐसे करके आपका जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है उसको आप फिर से वापस भेज सकते हैं फ्लिपकार्ट में, एंड 24 आवर्स या फिर 1 आवर्स में ही आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस आपका बैंक अकाउंट में या फिर फ्लिपकार्ट वॉलेट में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ टाइम लग सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर तो जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा वो मुझे जाना कमेंट करना। थैंक यू।